हैप्पी जितिया, कैसे हैं आप सब? और अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, तुरंत आ ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ जितिया का आज दूसरा दिन है, पारन का दिन, तो यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ। तो आज के दिन यहाँ पे लोग ना 7 तरह की या 11 तरह की सब्जियां बनाते हैं, तो मैं यहाँ जितनी तरह की सब्जी पाई हूँ वो मैं काट ले रही हूँ। तो जैसे कि ये कद्दू है, बोड़ा है, और इसमें पिचकी है, और कहीं कहीं उसको अरवी भी बोला जाता है, और बंडा है, अरवी का ही बड़ा रूप होता है। और तो यहाँ सारी सब्जियां मैं काट लूंगी, आलू उलू ये सब कुछ, और इसको बनाऊंगी। तो ये हर जगह अपना अपना नियम होता है कैसे बनता है, तो हम लोग की तरफ नहीं बनता है, यूपी में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, लेकिन यहाँ झारखंड में है। तो मैं भी आज फर्स्ट बार हूँ जितिया, तो मैं भी ये बना रही हूँ। तो ये तो मिक्स सब्जी है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए बना ले रही हूँ। और इतनी तेज़ भूख लगी है ना कि अभी बज गए हैं लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो मैं सुबह में उठी थी 8 बजे, तो मैं उसी समय थोड़ा सा चाय और प्याज के पकौड़े बना ली थी, तो मैं वो खा ली हूँ। तो मैं अभी यहाँ खाने का तैयारी कर रही हूँ, और बच्चे अभी 9th 8th 10th क्लास के बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो बड़ी वाली बेटी स्कूल चली गई है। तो मैं यहाँ पे आराम से कर रही हूँ, यार चक्कर भी आ रहा है। तो और पूजा में कोई खास पूजा नहीं होता है इसमें, तो मैं बस पूजा कर ली हूँ, घर ही पे पूजा कर ली थी, और घर पे पूजा करने के बाद मैं मंदिर चली गई थी अगरबत्ती कपूर लेके। तो ऐसे भगवान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज जितिया का ये पारन का दिन है, तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ जितिया के पारन का आज दिन है, आज 30 तारीख है और दिन थर्सडे है, बृहस्पतिवार। तो अभी यहाँ पे मैं सुबह में खाना बना रही हूँ फ्रेंड्स, और व्रत रहने के चलते सबको थोड़ा वीकनेस लगता है, क्योंकि ये निराजल व्रत रहता है। तो मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, और अभी 2 दिन तो खाने में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता है, सब्जी या खाना ऐसे ही बनता है। तीन दिन का ये व्रत होता है, और मैं आज ये फर्स्ट बार व्रत की हूँ, जितिया व्रत अभी तक मैं नहीं की थी। तो अभी थोड़ा सा हमें ना ज्यादा ही चक्कर आ रहा है, क्योंकि बीपी लो हो जाता है मेरा। तो 30 के दिन तो मैं 1-2 बजे पानी पी लेती हूँ, लेकिन जितिया पर्व ऐसा है ना कि इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है, आप जितना खर करें उतना ही ठीक होता है। तो मैं आज क्या हुआ कि रात में तो नींद नहीं आ रहा था भूख के चलते, और रात में बहुत देर से नींद आया, और इसके चलते मैं बहुत लेट में उठी। और आज पंडित जी बोले थे कि क्या बोलता है कि दिन भर आज पारन है, पूरा दिन कभी भी आप पारण कर सकते हैं। ऐसे तो हर साल क्या होता है ना कि एक टाइम होता है कि 9 बजे 10 बजे 12 बजे ऐसे पारण होता है। तो मैं ऐसे कोई खास हम लोगों में पूजा नहीं होता है, बस एक पेड़ आता है जितिया का पेड़ हम लोग के तरफ, उसको बरियार का पेड़ बोला जाता है, उसमें पूजा होता है। तो मैं कर ली थी, तो मुझे पूजा के बारे में ज्यादा पता नहीं था, और मम्मी थी मेरी तो इस साल डेट कर गई कोरोना के टाइम में। तो मैं अपने खास से पूछी तो वो मुझे बताई कि ये जितिया कैसे रहा जाता है। तो मैं उसको की, और मंदिर ऐसे यहाँ पेड़ में पूजा कर ली थी, फिर मैं ऐसे चली गई थी मंदिर, थोड़ा सा वहां पे अगरबत्ती कपूर अपना जो जलाना था पूजा करके आ गई। और आज भी मैं खाना बना रही हूँ, और सुबह में मैं उठी जल्दी जल्दी काम की, क्योंकि काम करने वाला कोई है नहीं, सब हमें ही करना है। और बच्चे जो है अभी स्कूल लोग का खुल गया है, तो स्कूल चले जा रही है बड़ी वाली बेटी, थोड़ा हेल्प कर देती थी तो नहीं कर पाई है और चली गई है।
तो मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी नहाई पूजा की और अब मैं सब्जी काट रही हूँ, सब्जी काट के बनाऊंगी। और आज के दिन ना सब्जी मतलब कुछ ज्यादा है, जितने 7 तरह का 8 तरह का जितने तरह का सब्जी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और सुबह में मैं नाश्ता में ना ये थोड़े से कड़े प्याज की पकौड़ी बना ली थी, तो इसको मैं चाय के साथ खा ली तो थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है, तो मैं भी खाना बना ले रही। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखिए प्याज भी काट ली हूँ और टमाटर ये सब जो पेस्ट बनता है, टमाटर लहसुन मिर्चा ये सब पीस ली हूँ। और इसी में साथ साथ मैं सभी मसाले डाल दे रही हूँ, क्योंकि मसाले जो है ना सूखे रहते हैं तो डायरेक्ट डालने में सब्जी में वो जल जाते हैं, तो बस उसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि बड़ा कुकर है तो उसमें सब्जी बन जाएगी आराम से। और साथ ही साथ बारिश होने के चलते पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे ना, 1 महीना लगभग हो गए इतनी बारिश हो रही है, कपड़ा नहीं सूख रहे हैं और यहाँ बहुत ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैं सोची कि कपड़े धो ले रही हूँ, थोड़ा सा धूप हुआ कपड़ा धोने लगी, उधर कपड़ा धो रही थी इधर खाने बना रही थी, उसके बाद फिर बारिश होने लगा तो फिर मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। और किचन में दाल बना ली हूँ, तो दाल और इधर अपना सब्जी चढ़ा दूंगी तो कुकर में सब्जी बन जाएगा। और यहाँ पता नहीं क्यों व्रत करने के बाद ना फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लेकिन अकेले अकेले रहने से मजबूरी है कि चलो अकेले हैं तो करना ही पड़ता है। इसीलिए वो लोग बहुत नसीब वाले हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, तो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। और अब कुकर में मैं प्याज डाल दी हूँ, कुकर में सब्जी ना बहुत जल्दी ही पक जाती है और ऐसे कढ़ाई का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कुकर से, लेकिन यहाँ मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ सब्जी ज़्यादा है और सब्जी बहुत जल्दी पक भी जाएगी। तो दाल मैं बना ली हूँ और यहाँ मैं सब्जी बना लूँगी। और मेरे मोबाइल ना डिस्चार्ज हो गया है तो इसमें 12-13% ही अभी बैटरी बचा हुआ है, तो शायद पूरी वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो क्योंकि रेट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलूँगी फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो के साथ।